खबरों की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं तृप्ति। आज सवेरे जब पीएम मोदी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ के लिए जल लेकर जा रहे थे तो पूरा देश यही कह रहा था कि यही है देश का पहला हिंदू प्रधानमंत्री। आज जो पीएम मोदी ने किया, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि देश की राजनीति ही इतनी दूषित है। पीएम मोदी के ललाट पर जो चंदन चमक रहा था वही हिंदू और हिंदुत्व की निशानी है। जो राहुल गांधी जैसे लीडर देश के वामपंथी और लिबरल समाज के लोग नहीं समझ सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां देश के हिंदुओं के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य समारोह में लोकार्पण किया और कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएगा, और ये भी कहा कि ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। वहीं ठीक इस लोकार्पण के एक दिन पहले राहुल गांधी ने जो कहा और किया वो भी यही बताता है कि अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लगता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस मुक्त भारत और बीजेपी के एजेंडे का प्रचार करने का सोच लिया है, ठान लिया है और अब ये असंभव भी नहीं लग रहा। जयपुर में एक बार फिर अपने कॉमेडी से भरपूर भाषण में राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया है और हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क बताने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें वो पूंजीपति को पूंजापति कहते हैं, हिंदू छाती पर पीछे से वार करता है, इस तरह के कॉमेडी पंच देते हैं। संभवतः उनके लिखे गए भाषण का अपनी अकल लगाकर उन्होंने अर्थ से अनर्थ किया होगा। लेकिन क्या ये बयान महज एक मजाक है या फिर कांग्रेस की साजिश इसमें आपको भी दिखाई दे रही है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि बार बार कांग्रेस, लिबरल गैंग और वामपंथी हिंदू और हिंदुत्व के बीच क्यों फर्क पैदा कर रहे हैं और क्या सच में हिंदू और हिंदुत्व अलग विचार हैं। पिछले कई साल से कांग्रेस और ओबीसी जैसे लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व आरएसएस की विचारधारा है और इसका हिंदुइज्म से या हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से बिना सोचे समझे नहीं की थी। कांग्रेस एक बार फिर अपनी उसी साजिश पर लौट आई है जिसके सहारे वो दशकों से भारत के हिंदुओं के साथ छलावा लगातार करती रही है। वैसे भी कांग्रेस से पहले भी पिछले कई सौ सालों से हिंदू धर्म पर हमले होते रहे हैं। कभी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया तो कभी हिंदू धर्म को पिछड़ा बताकर हिंदुओं को शर्मिंदा करने की साजिशें हुईं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का प्रयोग 26/11 हमले के बाद से ही शुरू हो गया था, जब सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार के मंत्री दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी आतंकियों की असलियत सामने आने से पहले ही इसे हिंदू आतंकवाद बताने का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया था। वो तो कसाब के पकड़े जाने से सच सामने आ गया, वरना शायद 2014 में बीजेपी कभी नहीं जीत पाती, क्योंकि हिंदू आतंकवाद के नाम पर आरएसएस और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कामयाब हो जाती। आखिर कांग्रेस की हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने के पीछे की सोच क्या है? दरअसल इसके पीछे है इन दिनों दुनिया में पनप रही एक विचारधारा, वो ये कि अगर आप किसी को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के धर्म को ही बदल दें। किसी भी धर्म या विचारधारा को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप उस धर्म या विचारधारा पर आधारित ग्रंथों और परंपराओं के मायने और शब्द बदल दें। वो धर्म या विचारधारा अपने आप कमजोर होने लगेगी और एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाएगी। मुसलमान शासकों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, ये सच है। इससे हिंदुओं के आत्मगौरव को धक्का लगा, ये भी सच है। लेकिन अंग्रेजों, वामपंथियों और कांग्रेस समर्थित लिबरल समाज ने हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए इससे भी कहीं ज्यादा गहरी साजिश रची। सोचिए अगर आप अपने धर्म को लेकर एक भ्रम की स्थिति में आ जाएं तो क्या होगा? आप धीरे धीरे अपने धर्म पर विश्वास को खोते जाएंगे और कल को कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आपको अपने धर्म का ज्ञान देकर आपको बदल देगा। इतिहास में जाने से पहले आपको पिछले एक दो सालों में ही कुछ घटनाएं बताती हूं। पिछले कुछ सालों से श्री राम और सियाराम के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का कहना है कि हम श्रीराम को नहीं मानते, हम सियाराम को मानते हैं, क्योंकि सियाराम में सीता भी है और राम भी।
जबकि बीजेपी सिर्फ श्रीराम को ही अपना रही है और यह बताने की कोशिश की गई कि जय श्रीराम एक राजनीतिक नारा बन गया है। जबकि अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको श्रीराम, सीताराम और सियाराम के बीच में कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा। श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है और सीता तो लक्ष्मी की अवतार है, तो श्रीराम बोलने मात्र से ही एक साथ सीता और राम दोनों का संबोधन हो जाता है। सियाराम में सिया संस्कृत नाम, सीता का अवधि अपभ्रंश है। सिया नाम पहली बार तुलसीदास ने अवधि ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा था। तो जय श्री राम राजनीतिक कैसे हो गया? अब सोचिए कि हिंदू धर्म पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें सीता और सिया में भी फर्क नजर आता है, जिन्हें राम एक काल्पनिक पात्र लगते हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ही 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहा था ना कि राम सेतु काल्पनिक है। दरअसल ये इसी भ्रम में फंसा कर रखना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले हनुमान जी की एक फोटो काफी चर्चित हुई थी। अक्सर आप कारों के पीछे हनुमान जी की ये फोटो देखते होंगे जिसमें हनुमान जी कुछ क्रोध में नजर आ रहे हैं। अब देश के लिबरल गैंग ने उन्हें एंग्री हनुमान का नाम देकर ये प्रचारित करने की कोशिश की कि ये बीजेपी के हनुमान जी हैं। असली हनुमान जी तो विनम्रता की मूर्ति हैं। बीजेपी उग्र हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए एंग्री हनुमान जी का प्रचार कर रही है। हनुमान जी तो कभी क्रोधित होते ही नहीं है। अब चूंकि इन लिबरल समाज के लोगों के लिए राम की तरह हनुमान जी भी एक शायद काल्पनिक पात्र होंगे और इनके लिए हनुमान जी एक काल्पनिक बंदर से ज्यादा कुछ नहीं होंगे, इसीलिए इन्होंने ना तो रामायण पढ़ी होगी और ना ही कोई और ग्रंथ। वास्तविकता तो यही है कि वाल्मीकि रामायण में राम यमराज की तरह प्रचंड रूप से क्रोधित हो सकते हैं और हनुमान जी भी क्रोध करते दिखाए गए हैं। आप मंदिरों में अक्सर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति देखते होंगे। ये हनुमान जी का क्रोधित और रौद्र रूप है जो उन्होंने अहिरावण का वध करने के लिए धारण किया था। अब एंग्री हनुमान को अतुलित बलशाली और ज्ञानी हनुमान जी से अलग करने की ये साजिश है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के लोगों तक ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की और वो अब भी जारी है। अब हम आते हैं कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व के बीच ये भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी किस धर्म को मानती हैं, उसी धर्म को जिसका उद्देश्य भारत को पूरी तरह से हिंदूविहीन बनाना है। अपनी मां के पूर्वजों की तरह राहुल गांधी भी इसी काम को जोर शोर से अंजाम दे रहे हैं। अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया इसको पहले समझते हैं और इसके बाद हम राहुल बाबा की कारगुजारियों को समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के हिंदू शिक्षा और विज्ञान में बहुत आगे हैं। इनको खत्म करने के लिए तीन तरह की शक्तियां आगे आईं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, दूसरे ईसाई पादरी लोग और तीसरे भारत में इनके कुछ दलाल लोग। इन सब का एक ही उद्देश्य था, वो था हिंदुओं को पिछड़ा और अंधविश्वासी बताकर इनके आत्मविश्वास को खत्म कर देना। अगर ये हिंदू ईसाई ना भी बन पाए तो कम से कम मन से ईसाई और पश्चिमी विचारधारा को मानने लगेंगे, यानी हिंदू धर्म को ही परिवर्तित कर एक डुप्लीकेट ईसाई धर्म बना देना। इसके लिए अंग्रेजों जैसे जेम्स प्रिसम, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, फादर कामिल बुल के जैसों ने हमारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया और हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए विचारों और शब्दों में हेर फेर कर दिया। अब चूंकि इनके पास ही सबसे पहली बार प्रिंटिंग मशीन आई थी, इसीलिए इन्होंने परिवर्तित पुस्तकों के मायनों को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित कर दिया। अब हमारे पास आज जो धर्म ग्रंथ हैं, वो इसी प्रकार के बदले हुए रूप में हैं। जैसे ही हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके बाद से रॉबर्ट कॉडवेल जैसे लोगों ने उत्तर भारत के लोगों को आर्य और दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कहकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच फूट डलवाने का काम शुरू कर दिया। दलितों और ब्राह्मणों के बीच खाई पैदा कर दी और जाति प्रथा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा कि हिंदू धर्म के अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं और इसी काम को आगे बढ़ाया कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने। इन सब ने जातिगत आधार पर अपने वोट बैंक के लिए एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मोदी सरकार आई और हिंदू जाति व्यवस्था से उठकर एक धर्म के रूप में फिर से खड़ा होने लगा, तो इन लोगों ने एक बार फिर यही खेल शुरू कर दिया है। अब इन लोगों ने हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क पैदा करना शुरू कर दिया है, श्रीराम और सियाराम के बीच भेद पैदा करना शुरू कर दिया है, हनुमान जी को विनम्र और एंग्री हनुमान जी में बदल दिया है,
हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क का खेल अब शुरू हो चुका है। ये सच है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी की इस विचारधारा में हिंदू सिर्फ हिंदू है, वो जाति और वर्ग में नहीं बटा। बीजेपी की विचारधारा के चलते मुसलमान बीजेपी को वैसे भी वोट नहीं देता, तो मुस्लिम तुष्टिकरण का बीजेपी को ना तो कोई फायदा है और हिंदुओं की तुलना में वोट बैंक को देखते हुए ना ही कोई मजबूरी। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर हिंदुओं और हिंदू धर्म को बदनाम करती रही है, वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। तो मजबूरी में एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व पर हमला किया जाए और हिंदुओं के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि हिंदू और हिंदुत्व अलग होते हैं। इसीलिए उम्र के 50वें साल में युवा राहुल गांधी को अचानक हिंदू होने का ख्याल आया। कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर, तिलक लगाकर, मंदिर मंदिर घूमकर पहले खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश की। गले में क्रॉस डालकर घूमने वाली बहन प्रियंका भी रुद्राक्ष धारण करने लगी। और अब जैसे ओवैसी दलित और हिंदू दोनों को अलग अलग देखते हैं, वैसे ही राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महंगाई का विरोध करने वाली रैली में राहुल गांधी हिंदुत्व को हिंदू से अलग बताने की कोशिश करते हैं तो उस पर हैरानी नहीं होती। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक अमेरिकी राजनयिक से बात करते हुए ये कहा था कि भारत को जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के बजाय हिंदूवादी संगठनों से खतरा है। दरअसल राहुल गांधी ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो हिंदुत्व को बदनाम करके बीजेपी या आरएसएस को नहीं बल्कि हिंदुओं को ही बदनाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हैं। लेकिन इन्हीं के नेताओं ने जब हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, तब शायद राहुल गांधी हिंदू नहीं थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हिंदू और हिंदुत्व या हिंदुइज्म क्या है। जैसे एक व्यक्ति का एक विशेष व्यक्तित्व होता है और इसके अलावा उसके जीवन जीने का एक अलग तरीका भी होता है, तो ठीक उसी तरह हिंदू एक धर्म है। हिंदुत्व उस धर्म की एक पहचान है और हिंदुज्म उसकी एक विशेष विचारधारा है जिस पर वो धर्म खड़ा है। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व को अलग किया ही नहीं जा सकता, यानी हिंदू धर्म की विचारधारा या पहचान ही हिंदुत्व कहलाती है। लेकिन राहुल गांधी इतना समझ पाते तो पप्पू कैसे कहलाते? क्या वो ये कह सकते हैं कि ईसाई और ईसाइयत अलग है, बौद्ध से बौद्धत्व अलग है? दरअसल राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने वाला बयान बताता है कि कांग्रेस में अब कोई विचारधारा बची ही नहीं है। बौखलाया गांधी परिवार अब हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन रहा है जिसमें उसकी रही सही पार्टी का अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।